हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी शोर इन द सिटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गणेश उत्सव के पहले दिन से, जहाँ पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम था तिलक, दूसरे का मंदुक और तीसरे का रमेश। वो तीनों एक पार्टी में जाते हैं और एक राइटर को ढूंढ रहे थे। जैसे ही राइटर पार्टी से निकलता है, ये तीनों उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग राइटर को किडनैप करते हैं। राइटर को लगता है कि इन्होंने पैसों के लिए ये सब किया होगा, लेकिन तिलक कहता है कि उन्हें पैसे नहीं बल्कि उन्हें राइटर के आने वाली बुक की स्क्रिप्ट चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तिलक का एक अनऑफिशियल पब्लिशिंग हाउस था, जहाँ पर वो काफ़ी फेमस किताबों को फिर से छापता और उन बुक्स को बच्चों को देता है ताकि वो लोग जाकर सिग्नल पर बेच सकें। अब इस तरह से तिलक का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। अभी जिस राइटर को उन्होंने किडनैप किया था, उसके आने वाले बुक के काफ़ी चर्चे थे, इसलिए ये लोग चाहते थे कि पहली बुक इनके पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश हो, ताकि ये लोग बहुत सारे पैसे कमा सकें। अब जैसे ही इन्हें बुक मिलती है, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम अभय नाम के NRI को देखते हैं, जो अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और वो उसी को ऑफिस सेटअप कर रहा था। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और सामान शिफ्ट करने में उनकी मदद करने लगता है। अब ये देखकर अभय काफ़ी शौक था और वो उस आदमी से पूछने लगता है कि उसे क्या चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि अगर अभय को यहाँ बिजनेस करना है तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए होगा, और अगर उसे प्रोटेक्शन चाहिए तो उस आदमी का एक दोस्त है जो अभय के बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो कल अपने दोस्त को लेकर आएगा। अब ये सुनने के बाद अभय उसे यहाँ आने से मना कर देता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और अभय से कहता है कि कल वो अपने दोस्त को लेकर आएगा। जिसके बाद हम सावन नाम के लड़के को देखते हैं, जो क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना चाहता था, लेकिन इस बात का वो इतना टेंशन लेता है कि पहले ही बॉल में आउट हो जाता है, जिसकी वजह से सावन को पता चल गया था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। तभी सावन को उसकी गर्लफ्रेंड सेजल का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। एक्चुअली सावन और सेजल रिलेशनशिप में हैं और सेजल के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, और इसी वजह से सावन चाहता था कि वो जल्दी से क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाए ताकि वो और सेजल शादी कर सकें। अब सावन और सेजल मिलते हैं और सेजल सावन को समझाने लगती है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन सावन उसे समझाता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी जानता था कि उसका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल था। जिसके बाद हम तिलक को देखते हैं, जो एक बुक शॉप जाता है और वहाँ से काफ़ी सारे बुक्स परचेस करता है, जिसके बाद वो उन बुक्स को लेकर अपने पब्लिशिंग हाउस आता है और उन्हें छापने के लिए कहता है। जिसके बाद तिलक घर आता है तो उसकी वाइफ सपना शादी के गिफ्ट्स खोल रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी हो गई थी और सपना सारे गिफ्ट्स ओपन कर रही थी, लेकिन एक भी गिफ्ट उनके काम का नहीं था। साथ ही तिलक को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसे शादी में खाली लिफाफे दिए थे, और ये सुनकर तिलक बिल्कुल भी शौक नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्तों को जानता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भले ही तिलक की शादी हो गई है, लेकिन उसने सपना के साथ रोमांस नहीं किया था क्योंकि शायद वो शर्माता था। जिसके बाद हम मंडुक और रमेश को देखते हैं, जो ट्रेन से कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है क्योंकि उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा बैग था। अब ये दोनों मौका देखकर उस बैग को चुरा लेते हैं, जिसके बाद वो बैग लेकर तिलक के पास आते हैं और जब बैग खोलते हैं तो पता चलता है कि उस बैग में गन्स और बॉम्ब था। अब ये देखकर तिलक काफ़ी शौक था और वो उन दोनों से कहता है कि वो उस बैग को छोड़ दें, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और डिसाइड करते हैं कि वो उन गन्स को बेच देंगे। अब तिलक को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो वही हम अभय को देखते हैं, जो एक पब में गया था। वहाँ पर अभय की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की भी अभय को ही देख रही थी। जिसके बाद अभय जाकर उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम शालमली था और वो एक मॉडल थी। अब अभय और शालमली दोनों पार्टी करते हैं और उन दोनों में कई सारी बातें होती हैं। फिर हम सावन को देखते हैं, जो एक ऑफिसर से मिलने जाता है ताकि वो ऑफिसर उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कर सके। अब वो ऑफिसर सावन से कहता है कि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन सावन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, फिर भी उसे सिलेक्शन चाहिए तो उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। अब ये सुनकर सावन काफ़ी शौक था क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे।
अब सावन घर आकर बस यही सोच रहा था कि वो 10 लाख कैसे कमाएगा, क्योंकि सावन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी सावन देखता है कि उनके घर के सामने एक बैंक था और उस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड काफी बूढ़ा हो चुका था और वो दोपहर को लंच ब्रेक के लिए जाता था। अब सावन उन्हें देखकर कुछ प्लानिंग करने लगता है। फिर सावन टीपू नाम के लड़के से मिलता है जो काफी सारे इलीगल काम किया करता था। सावन टीपू से कहता है कि वो चाहता है कि वो दो मिलकर बैंक लूटे। सावन कहता है कि हो सके तो वो कुछ और लोगों को भी उनमें शामिल करेंगे। सावन ने पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन टीपू से कहता है कि वो अपने गेम पर फोकस करे। अब टीपू की मना करने की वजह से सावन का प्लान पूरा नहीं हो पाता। तो वही सेजल बार बार सावन से शादी के लिए बात कर रही थी और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और सेजल उससे रूठ कर चली जाती है। तो वही हम अभय और शर्मिली को देखते हैं जो एक जगह शॉपिंग करने जाते हैं। तभी वहां पर वो आदमी आता है और उसके साथ उसका दोस्त भी था। एक्चुअली वो दोनों गैंगस्टर थे और वो अभय से पैसे निकलवाना चाहते थे, लेकिन अभय उन्हें डांटता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब जाते वक्त वो दोनों उसे धमकी देते हैं कि वो उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब ये सुनने के बाद अभय को और गुस्सा आता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद अभय शालमली के घर आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अभय बस यही सोच रहा था कि वो उन गुंडों का क्या करे, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए अभय पुलिस के पास जाता है और एक ऑफिसर को सब कुछ बताने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अभय से कहता है कि वो उन गुंडों पर ध्यान ना दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी गुंडों के साथ मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो अभय की बात नहीं सुनता। तो वही तिलक और उसके दोस्त टीपू को बुलाते हैं और उसे गन दिखाने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि टीपू उनके लिए कस्टमर लेकर आए। अब टीपू उनसे वादा करता है कि वो जल्दी उनकी गन्स बिकवा देगा, लेकिन तिलक और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि अगर बॉम्ब फट गया तो पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। इसलिए वो तीनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं और बॉम्ब फेंक देते हैं। उन्होंने बॉम्ब को एक्टिव किया था और वो वेट कर रहे थे कि कब बॉम्ब फटेगा। एक्चुअली वो बॉम्ब लोकल बॉम्ब था, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन तभी तिलक देखता है कि वहां पर एक बच्चा आ रहा था। अब उस बच्चे को रोकने के लिए वो लोग भी वहां पर जाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा बॉम्ब हाथ में पकड़ लेता है। अब तिलक और उसके फ्रेंड्स बच्चे के हाथ से बॉम्ब ले रहे थे, लेकिन बच्चे को लग रहा था कि वो कोई खिलौना है, जिसकी वजह से वो उस बॉम्ब को नहीं दे रहा था। लेकिन तिलक उससे बॉम्ब छीनता है और दूसरी जगह फेंकता है, लेकिन बॉम्ब का जो धमाका होता है उसकी वजह से बच्चे और तिलक दोनों को चोट लग जाती है। अब बच्चे की हालत देखकर तिलक को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। अब तिलक बस यही सोच रहा था कि पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। इसलिए वो अगले दिन बच्चे को देखने जाता है तो उस बच्चे को भी काफी चोट लगी थी, और ये देखकर तिलक को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो वहां पर काफी सारे पैसे लगकर आ जाता है। अब तिलक घर आकर किताब पढ़ रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि तिलक को इंग्लिश किताब पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे इंग्लिश ठीक से पढ़ना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो किताब पढ़ने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठता था। अब तभी वहां पर सपना आती है और तिलक को बताने लगती है कि उसने ये बुक पढ़ी थी। अब ये सुनकर तिलक काफी शौक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सपना ग्रेजुएट है और उसे इंग्लिश पढ़ना आता है। अब इसी बात पर दोनों में बातें होने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगे थे। तो वही हम अभय को देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहां पर वो गुंडे आते हैं और अभय के कलीग को चाकू मारते हैं और अभय को धमकाते हैं कि अगर उसने उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो अभय को भी खत्म कर देंगे, साथ ही अभय की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर अभय भी डर जाता है और वो उन्हें पैसे देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अभय उन गुंडों को 5 लाख रुपए दे देता है, जिसके बाद वो गुंडे कहते हैं कि अभय ने पैसे देने में देर कर दी, इसलिए उसे ज्यादा पैसे देने होंगे और ये पैसे बस अभी के हैं, दिवाली के बाद वो फिर से आएंगे। अब ये सुनकर अभय समझ गया था कि वो गुंडे हमेशा उसे लूटेंगे, इसलिए वो उन गुंडों का पीछा करने लगता है और उनके बारे में सारी जानकारी लेने लगता है। तो वही हम सावन को देखते हैं जो अलग अलग बैंक में जा रहा था ताकि उसे लोन मिल सके, लेकिन बैंक वाले उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं थे। तभी सावन देखता है कि सेजल किसी और लड़के के साथ जा रही थी। अब ये देखकर सावन उसे रोकता है और उससे पूछने लगता है कि वो उस लड़के के साथ क्यों घूम रही है। तो सेजल बताती है कि उसके घर वालों ने उस लड़के के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी और अब सेजल के पास भी मना करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था।
क्योंकि सावन का अभी तक करियर सेटल नहीं हुआ था, इसलिए सेजल अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी। अब एक दिन सावन क्रिकेट खेलने जाता है तो उसके नाक पर बॉल लग जाता है, जिसकी वजह से काफी खून आ रहा था। ये देख कर सेजल उससे मिलने आती है और यहाँ पर सावन को पता चलता है कि सेजल की एंगेजमेंट हो गई, और ये देख कर वो दोनों ही रोने लगते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो वही हम अभय को देखते हैं जो टीपू के पास गन खरीदने के लिए जाता है, जिसके बाद टीपू उसे मंटू को रमेश से मिलवाता है और अभय उनसे गन और कुछ गोलियां परचेस कर लेता है, जिसके बाद टीपू रमेश और मंटू के साथ मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन वो बैंक लूटेंगे, क्योंकि उस दिन पुलिस भी काफी बिजी होती थी जिसकी वजह से उन्हें बैंक लूटने में आसानी हो जाती। जिसके बाद रमेश और मंडूक तिलक से मिलते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि तिलक भी उनके साथ आए, लेकिन तिलक उन्हें मना कर रहा था क्योंकि आजकल तिलक को बुक पढ़ना काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी दोस्ती के खातिर वो उनके साथ आने के लिए मान जाता है। अब गणेश चतुर्थी के दिन जब वॉचमैन लंच ब्रेक के लिए जाता है तो ये तीनों बैंक के अंदर जाते हैं और टीपू बैंक के बाहर रुका था ताकि वो किसी को अंदर ना आने दे। अब इन लोगों के पास गन थी इसलिए वो बैंक वालों को डराते हैं और उन्हें वॉशरूम में लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग पैसे लेने लगते हैं, लेकिन वहां पर बस 8,000 रुपये ही थे। वो मैनेजर बताता है कि बैंक का जो बड़ा मैनेजर है वो गणेश चतुर्थी के लिए गया था और वो 1 घंटे बाद वापस आएगा। अब वो लोग उस बैंक मैनेजर का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि उसी के पास लॉकर की कीज थी और सारे पैसे लॉकर में थे। अब काफी टाइम इंतजार करने के बाद वो मैनेजर आ जाता है और लॉकर खोल देता है, जिसके बाद इन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर मंडू काफी खुश होता है और वो हवा में गोलियां चलाने लगता है। अब गोलियों की आवाज की वजह से सावन का ध्यान वहां पर जाता है और टीपू को बाहर देखकर वो समझ जाता है कि टीपू वहां पर बैंक लूटने के लिए आया था, लेकिन जब टीपू गोलियों की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर वॉचमैन भी आता है और इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। अब ये लोग भी वॉचमैन पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी बीच तिलक को गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर मंडूक और रमेश काफी डर गए थे, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस वहां पर आ रही थी क्योंकि एक कस्टमर ने पुलिस को फोन कर दिया था। अब वो लोग तुरंत वहां से भाग निकलते हैं कि तभी वहां पर सावन आता है। अब तिलक वहां पर बेहोश पड़ा था और सारे कस्टमर्स वॉशरूम में लॉक थे और सावन देखता है कि पैसे वहीं पर पड़े थे, जिसके बाद सावन कुछ पैसों को अपने पास रखता है और बाकी पैसे लॉकर के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और पूछताछ करने लगती है। जिसके बाद हम अभय को देखते हैं जो उन गुंडों के घर जाता है और उन्हें गन दिखाकर डराने लगता है। अब वो गुंडे उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, जिसके बाद अभय उनसे अपने पैसे लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन अभय जानता था कि वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो वही हम गुंडों को देखते हैं जो प्लानिंग कर रहे थे कि वो अभय को किस तरह मारेंगे। तभी वहां पर अभय आता है और उन दोनों को शूट कर देता है और उन गुंडों की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही सावन उन पैसों को लेकर उस ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन वहां पर वो पैसे नहीं देता और वापस आता है क्योंकि अब सावन को पैसे देकर क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं होना था। तो वही हम तिलक को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो भी वहां से बाहर आता है। तिलक देखता है कि हर वो गणपति विसर्जन चल रहा था, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम तिलक को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बुक पढ़ रहा था। तो वही रमेश अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था और मंडू टीपू के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वही सावन अब फैसला कर चुका था कि उसे अपना गेम इम्प्रूव करना है और सेजल उसका साथ दे रही थी, क्योंकि सेजल ने अपने घर वालों को बता दिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी। तो रही बात अभय की, तो उसने अपने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो शालमली से बात करता है क्योंकि उसने कई दिनों से शालमली के साथ बात नहीं की थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शोर इन द सिटी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।